हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर और तज़ियाकार इरफान ज़हीर साहब मौजूद हैं। बिल्कुल इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कराची किंग्स अपने ही होम ग्राउंड में ढेर हो गई, हमने देखा मुल्तान सुल्तान्स ने 20 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स कहाँ गलत थी, आप क्या समझते हैं? देखिए, कराची किंग्स का वही हमें सस्ता का नजर आ रहा है जो लाहौर कलंदर का है। सबसे पहले अगर मैं पिक वाइज बात करूं तो ड्रॉप में सबसे जो मुझे स्ट्रेंज और वेयर्ड किस्म की सिलेक्शन लगी वो कराची किंग्स की लगी। कई दफा होता है कि आप सिलेक्शन में बड़े नामों पे चले जाते हैं, जिसकी प्राइम एग्जांपल बात करें तो शुएब मलिक है, शान मसूद है। कई दफा आपको लगता है कि ये बड़े नाम कुछ कर देंगे, बट T20 फॉर्मेट जो है ये यंगस्टर का, यंग ब्लड का फॉर्मेट है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो लड़के हैं, लड़के तो नहीं खैर कहना चाहिए, शान मसूद की एज भी 37 है, शेवर 43 है, स्टार्ट की भी 40 के करीब ऑलमोस्ट एज है, तो ये अपनी जो पीक है इसको खत्म कर चुके हैं। तो ये अगर आप 4-5 ऐसे प्लेयर को आप इंडक्ट कर लेंगे टीम के अंदर जिनकी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ है, तो ऑब्वियसली ये आपकी कोई राइट चूज नहीं, आपकी चॉइस नहीं थी। और उसका इफेक्ट हम ये देख रहे हैं कि टीम कम्बिनेशन पे भी आ रहा है। इसी तरह जेम्स विंस की बात करें, बिल्कुल खातरखा परफॉर्मेंस है। कराची की तरफ से अखलाक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एज ए ओपनर। मुझे समझ नहीं आई कि 2 मैचेस के बाद उस बेचारे को क्यों बाहर बिठा दिया गया, उसको उसके बाद खिलाया ही नहीं गया। फिर इसी तरह बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग इनकी शुरू से ही बड़ी मेरा ख्याल है कि सबसे बुरी कहनी चाहिए इस जितनी भी टीम में, 6 की 6 टीम में से। ठीक है इरफान, अब हम चाहते हैं कि मुल्तान सुल्तान का भी थोड़ा तज्जिया किया जाए। प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम वो बन गई है, 12 पॉइंट्स के साथ सिरे फहरिस्त है, तो क्या सुल्तान्स अपनी हुक्मरानी बरकरार रख पाएंगे? देखिए, मुल्तान सुल्तान लास्ट 3-4 सीजन से बड़ी कंसिस्टेंट बेसिस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। और लास्ट उन्होंने जिस तरह के 3 फाइनल भी खेले हैं, जीते हैं, 2 में रनर अप रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छी चीज ये कि अपनी जो पिक करते हैं 90% उसी पिक पे वो स्टिक है, उसमें कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं करते। तो उसकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह वही है कि वो अपनी पिक पे रहते हैं, आप उनको पता है। और जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट के बड़े नामों की बजाय उन प्लेयर्स को पिक करते हैं जिनकी फॉर्म अच्छी लगी हो। इसमें सबसे बड़ी मिसाल हम देख सकते हैं कि अगर बैटिंग की भी बात करें तो उनके पास उस्मान खान है, जिसने कल PSL में एक और सेंचुरी बना डाली। लास्ट ईयर हमने देखा था कि PSL फास्टर सेंचुरी बनाई। उस्मान खान को कहीं भी आप रेट नहीं करते, बट फॉर्म लगी हुई है, प्लेयर इन फॉर्म है। इसी तरह तो जो PSL का सीजन अभी हम सबके सामने है, उसमें कोई प्लेयर ऐसा नजर आ रहा है आपको जो आगे कौमी टीम में शामिल होगा, शमूलियत अख्तियार करेगा, कोई अच्छा टैलेंट? अब बिल्कुल बैटिंग में मेरा ख्याल है आपके पास 1-2 नाम सामने आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो ख्वाजा नाफे की बात करनी पड़ेगी जो क्वेटा ग्लैडिएटर से 2-3 इनिंग्स नजर आई है। उस्मान खान भी पाकिस्तानी बॉर्न है बट UAE शिफ्ट हो चुके हैं, इसको भी आपको कंसिडरेशन में कहीं ला सकते हैं। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन पे आपको जरूर आई रखनी होगी। इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात करें तो आरिफ यकूब की तरफ से, और अगर इनकी फैसल अक्रम है जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो ये कुछ बॉलर भी, 2 बैटर 2 बॉलर मेरी तरफ से बिल्कुल आप इनको देख रहे हैं। इरफान, वक्त कम है, जाते आते हमें ये बता दें कि आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी के दरमियान बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, तो किसको देख रहे हैं आप कामयाब होते हुए? देखिए, मेरा ख्याल है इधर टॉस तरह बैटर रोल प्ले करेगा, क्योंकि पिंडी की जो पिच है लास्ट के साथ सबसे बैटिंग प्रेशर विकेट है, तो दोनों टीम का मुझे इक्वल साइड लगती है, कोई ज्यादा हम डिफरेंस देख नहीं रहे दोनों साइड में। बट मेरा ख्याल है कि जो टीम चेस करेगी वो ज्यादा फेवरेबल रहेगी। जो टीम चेस करेगी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और PSL से मुतल्लिक जो एनालिसिस है इस वक्त प्लेयर्स को लेकर स्पेसिफिकली वो पेश कर रहे थे इरफान।